तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि ये एक बेसिक सवाल है, और इस बेसिक सवाल को हम लोग करते हैं कि एक सॉल्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट उसका दिया हुआ है, इस प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.16 टेस्ला, मैग्नेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले अगर कोई मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है U, तुम्हें याद होना चाहिए, माइनस एम डॉट बी। तो अगर ये रिलेशन याद है एम डॉट बी, तो इस क्वेश्चन को तुम लगा लोगे, मतलब माइनस एम और बी यहाँ से कॉस जीरो। अब थीटा जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कोई भी अगर मैग्नेट है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का ऐसे रखा जाता है, और मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट का इधर होता है, जिससे थीटा जीरो होता है, तो इस पे जो टॉर्क होता है वो जीरो लगता है, और जो फोर्स है वो भी इस पे जीरो लगता है, और इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और इस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो थीटा बना जीरो। तो यहाँ से थीटा जीरो रखोगे तो माइनस यहाँ से एम बी और कॉस जीरो, कॉस जीरो वन है, तो माइनस एम मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 और यहाँ से मैग्नेटिक 0.16, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 यहाँ से 30 है ना, तो 0.0062 यहाँ से माइनस जूल बनेगा, दैट इज बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।